टूटा तो बहुत बार, वो कौन सा इंसान नहीं है जो टूटता नहीं है, टूटा बहुत बार, लेकिन मैं ऐसी जगह से ऐसे सिचुएशनों में मैं पला बड़ा हूँ ना कि मेरे लिए आप मतलब मैं कहीं पर भी जाऊँ ना, मेरे को पैसे की ज़रूरत, पैसे हो ना हो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं उस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पास जेब में पैसे नहीं होते थे, मेरे पास किराए के लिए पैसे नहीं होते, मेरे को शूज़ पहनने के लिए पैसे नहीं होते थे, यूनिफॉर्म किट बैग वो ये कुछ नहीं होता था। उन्होंने भी आपके कैरियर पर हाथ उठाया, मंजूर दार के दिल में उनके लिए कोई शिकवा या कोई गिला? मेरे को याद ही नहीं है, सीरियसली अल्लाह की कसम मेरे को याद ही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना अल्लाह ताला देने वाला भी, इज्जत देने वाला भी है, इज्जत लेने वाला भी अल्लाह ताला ही है। अल्लाह ताला ने मतलब मैं कुछ भी नहीं था, अल्लाह ताला ने फर्श पे उठा के बैठा दिया। उतना सपोर्ट नहीं मिला, कभी नहीं मिला, क्योंकि मैं एक दूर दराज इलाके से आया था, बैटिंग ऑर्डर था वो ऊपर नीचे कर दिया गया, उसके बाद मुझे बॉलिंग नहीं दी गई, उसके बाद आपको कौन फ्रेंचाइजी खरीदेगी जब आपको अपने स्टेट में एज अ मतलब ऐसा प्लेयर आपको रिप्रेजेंट करेंगे कि ना बॉलर हो ना बैट्समैन हो, मतलब मैं ये वर्ड्स फर्स्ट टाइम शेयर कर रहा हूँ, मैंने आज तक किसी के साथ शेयर नहीं किया लेकिन आज कर रहा हूँ, लोग भी सुने कि मंजूर पांडो एक ऐसा नाम 2018 की अगर हम बात करें जिसने सुर्खियां बटोरी थी, वो आजकल लोकल क्रिकेट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, स्टेट के लिए बहुत कम देखने को मिल रहे, रांची में उसका कहीं पे भी नाम नहीं है, लोगों का कहना है मंजूर डार के साथ कहीं ना कहीं ज्यादती हो रही है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, कश्मीर ग्राउंड के देखने वालों को प्यार भरा सलाम। आज हमारे साथ वो क्रिकेटर है मंजूर डार, ये एक ऐसा नाम है जिसको ज़्यादातर कश्मीर वैली में लोग मंजूर पांडो के नाम से जानते हैं। इसका मैं बताता चलूँ, 2018 के IPL में गए थे सर, खैर मकदम आपका कश्मीर ग्राउंड जी। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया सर। हाउ एक्साइटेड यू आर, कश्मीर में फिर से क्रिकेट का सीज़न आ गया है? देखिए हमारे जो कश्मीरी हैं, खासकर कश्मीर के बच्चे जितने भी हैं, यहाँ पर क्रिकेट का ज़्यादा क्रेज़ है। जब से हमने भी स्टार्ट किया क्रिकेट खेलना, मतलब हम जहाँ भी जाते थे क्रिकेट मतलब वहाँ पर बच्चे खेलते थे। अभी रिसेंटली मैंने अभी वहाँ पर भी बोला कि मैंने 2 साल के बाद लोकल क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दिया ऐसे, तो मैं कुछ एक महीने से SP कॉलेज में जाके प्रैक्टिस कर रहा था, मेरी अपनी टीम है, एक मेरे रिश्तेदार वाले हैं वो खेल रहे हैं हसनाबाद की टीम है के, उनके साथ मैं खेलता था, प्रैक्टिस कर रहा था वहाँ SP कॉलेज में। मतलब मैंने ये फील किया कि मुझे काफ़ी उससे फ़ायदा हो गया, कि जैसे फिटनेस में फ़र्क पड़ गई उसमें, क्योंकि जो 2 साल से मैंने मैट क्रिकेट नहीं खेला था या लोकल क्रिकेट, क्योंकि अभी धीरे धीरे यहाँ पर भी टर्फ विकेट हो रहे हैं। और इतना मैं कहना चाहता हूँ हर किसी लड़के को, चाहे वो प्रोफेशनल क्रिकेटर हो, प्रोफेशनल वो वॉलीबॉलर हो, फुटबॉलर हो, वाट एवर हो, जो भी स्पोर्ट्स खेल रहा है, इंजॉय करो, स्पोर्ट्स को इंजॉय करो। जब तक आप इंजॉय नहीं करोगे आपको मज़ा नहीं आएगा। कभी भी किसी दूसरे पे आप उंगली मत उठाओ, पहले अपने आप को परफेक्ट करो, ग्राउंड में साबित करो, फिर आप लोगों का नाम आ जाता है। हमेशा अल्लाह ताला उसी को इज्जत देता है जो जिसका सर नीचे रहता है। जिसको तकबर होती है वो सबको पता है, जो कुरान में भी लिखा है तकबर अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। हाँ, तो बस ऐसे ही अपने माँ बाप की दुआओं की वजह से हम लोग चल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। लाइफ में अप एंड डाउन होता है, यही तो ज़िंदगी का दस्तूर है, बाकी शुक्र खुदा का कि चल रहा है अभी। मंजूर पांडो एक ऐसा नाम 2018 की अगर हम बात करें जिसने सुर्खियां बटोरी थी, वो आजकल लोकल क्रिकेट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, स्टेट के लिए बहुत कम देखने को मिल रहे, रांची में उसका कहीं पे भी नाम नहीं है, लोगों का कहना है मंजूर डार के साथ कहीं ना कहीं ज्यादती हो रही है? देखिए ये शायद लोगों को पता नहीं होगा, ना मैंने आज तक ये मतलब किसी को बताया होगा, जब मैंने 2015-16 में डेब्यू किया था, जैंड के काफ़ी कम मैचेस जीत रही थी, खासकर T20 में शॉर्टर फॉर्मेट में डेब्यू किया मैंने, तो मेरा मतलब एक प्लेयर से मैच नहीं जीते, लेकिन मेरा एक पॉजिटिव पॉइंट टीम को आया कि जब मैंने टीम में ज्वाइन किया, डेब्यू किया, तो हमने क्वालिफाई कर दिया 2015-16 में, फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में हमने पंजाब को हराया। तो उसमें क्योंकि मेरा ड्रीम था जो उस टाइम, मतलब लोकल तो मैं सारे जानते थे, मैं जहाँ जाता था उस टाइम काफ़ी लोग आते थे मैच देखने के लिए, लेकिन जब मुझे स्टेट के लिए मैंने 2011 से मैं ट्राई कर रहा था, आखिरकार मौका आया अल्लाह ताला ने, अल्लाह ताला की मर्ज़ी से 2016 में मेरा हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में मेरा डेब्यू हुआ, मैंने पहली बॉल पे छक्का मारा,
जो मेरी डेब्यू बॉल थी, दूसरी बॉल पे भी छक्का मारा। और उसके बाद वो पंजाब के साथ मैच था, तो उसके बाद उसमें यूवी पाजी खेल रहे थे, भज्जीपा खेल रहे थे, सिद्धार्थ कोल, मतलब सारे टॉप टॉप जो पंजाब की टीम थी सारे प्लेयर खेल रहे थे। हमने 120 की 124 रन किए थे, जो पंजाब के लिए कुछ नहीं था। पंजाब टीम मतलब एक्सपेक्ट आप नहीं कर पाओगे, 250 रन भी वो चेस करती थी उस टाइम पे, उतनी स्ट्रांग टीम थी पंजाब की। तो उसके बाद उमर ने अच्छी बॉलिंग की, उमर नज़ीर ने। वो दिन मुझे इसलिए याद था कि मुझे याद है क्योंकि वो ज़िंदगी जब तक मैं ज़िंदा वो मैं नहीं भूल पाऊँगा, क्योंकि वो मेरा डेब्यू मैच था। तो उसमें मैंने 12 बॉलों में 28 रन किए थे, जो नामुमकिन था हमारी टीम के प्लेयरों के लिए। मतलब ऐसा उस टाइम ऐसा क्रिकेट खेली जाती थी। और मैंने चार ओवर किए, 70 रन दिए, 2 विकेट लिए। उसको उस सीज़न मैंने एज ए ऑलराउंडर खेला। यह मैं इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि सबको पता नहीं है कि मतलब लाइफ में मैंने बताया ना कुछ भी होता है। हाँ, तो यह मैंने आज तक किसी के साथ शेयर नहीं किया, लेकिन आज कर रहा हूँ, लोग भी सुने कि क्या लग रहा है मंजू डार को फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स कहीं ना कहीं ज्यादा हो रही है। देखिए वो आप मतलब एक्सपेक्ट क्या करोगे किसी से, जब आपका खुद ही का मतलब मैं खुद भी थोड़ा बिजी था, लेकिन मुझे उतना सपोर्ट नहीं मिला, कभी नहीं मिला, क्योंकि मैं एक दूर दराज इलाके से आया था। वहाँ एक मेंटलिटी थी कि जिसके पीछे प्लेयर अच्छे, हर कोई प्लेयर अच्छा होता है, ये मैं नहीं कहता। देखिए वो मसला नहीं है, वो मसला है कि वहाँ पहले जो मैच क्रिकेट होता था ना, वो क्लब क्रिकेट होता था। मैंने आपको पता, यहाँ एक लीग होती थी DCL, CPL, मैंने उनमें 100 किए। मैंने यूनिवर्सिटी में एक मैच खेला था, पूरी रणजी ट्रॉफी टीम खेल रही थी, मतलब सारे जो भी स्टेट के टॉप टॉप प्लेयर थे, मैंने 29 बॉलों में 100 किया, विकेट पे मैच था। और मतलब उस तो दूसरी भी एक लीग थी जो JKCPL कुछ लीग थी, उसमें सारी टीम अपोजिट खेल रहे थे, मैंने उसमें बहुत सारे रन किए, विकेटें ली, तब मेरा नाम आया ट्रायलों में। जब क्लब मैच खेलता था बड़े क्लब, कश्मीर जिमखाना के साथ, ACC के साथ, UCC के साथ, या हैदर या जो एक लोग छोटा ही क्लब था उसके साथ शुरुआत की, मतलब वो क्रिकेट मुझे लगता है आज नहीं हो पा रहा है। देखिए हम क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन जो वे एक जगह होती है ना, जहाँ पर आप नज़रों में आ जाओ, जहाँ पर आपको सीखने के बहुत कुछ मिलता है, वहाँ पर जब मैंने स्टार्ट किया, काफ़ी अच्छा क्रिकेट खेली, बहुत सारे जो प्लेयर थे उनसे सीखने को भी बहुत कुछ मिलता था उस टाइम। अब भी मुझे लगता है वो कमी है। हम आपको नहीं लग रहा है जो आजकल एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है सोशल मीडिया क्रिकेटर्स को, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है क्रिकेटर्स के लिए? देखिए पॉजिटिव पॉइंट भी है, लेकिन सोशल मीडिया पे खाली आपको, देखो मैंने आपको बोला मैंने 16 में डेब्यू किया, मैं पहला ऐसा क्रिकेटर हूँ इंडिया में, आप देख भी लेंगे विकीपीडिया पे, जो कोई जूनियर नहीं खेला, 4 मैच खेलकर मेरा नॉर्थ जोन में नाम आया था, पहला क्रिकेटर हूँ पूरे इंडिया में डोमेस्टिक में, 4 मैच मैंने कोई मतलब एज ग्रुप में टूर्नामेंट ही नहीं खेला, रिप्रेजेंट ही नहीं किया स्टेट को, तो मेरा नाम आया 4 मैच जिसमें मैंने डेब्यू किया, 4 मैच खेल के। उसके बाद थोड़ा ज़्यादती हो गई क्योंकि मेरा जो बैटिंग ऑर्डर था वो ऊपर नीचे कर दिया गया। मेरी उस टाइम इंडिया में T20 में बेस्ट, मतलब T20 में एवरेज थी 38 और स्ट्राइक रेट 160 से ऊपर, अभी भी मेरी एवरेज होगी 25 से ऊपर और स्ट्राइक रेट होगी 150, वो बहुत कुछ होता है T20 में। मेरी बॉलिंग इकॉनमी भी अच्छी थी क्योंकि मैं एज अ ऑलराउंडर खेल रहा था, आप देखो मेरा रिकॉर्ड चेक करो आप, उसके बाद मुझे बॉलिंग नहीं दी गई। उसके बाद आपको कौन फ्रेंचाइजी खरीदेगी जब आपको अपने स्टेट में एज अ मतलब ऐसा प्लेयर आपको रिप्रेजेंट करेंगे कि ना बॉलर हो ना बैट्समैन हो, मतलब मैं ये वर्ड्स फर्स्ट टाइम शेयर कर रहा हूँ, लेकिन ये अल्लाह को पता है और मुझे पता है कि कैसे क्या होता था, लेकिन शुक्र अल्लाह का कि अभी वो मैंने दिमाग से सब निकाला है, जो अल्लाह ताला ने लिखा होगा ज़िंदगी में वही मिलता है। मैं तो मेरा काम है मेहनत करना, वो मैं कर रहा हूँ। कश्मीर वैली के कुछ क्रिकेटर्स हैं, उनका कहना है कि JKCA में करप्शन चल रहा है, मंजूर डार इसके बारे में क्या कहना लग रहा है आपको? मैं हमेशा इन चीज़ों से दूर रहा हूँ, मेरा काम आप मालूम भी कर लीजिए, मैंने जितना खेला कम खेला, आया खेलना नहीं आता है कि, लेकिन मैं हमेशा इन चीज़ों से दूर रहा हूँ। आप मेरे खिलाफ़ किसने गलत किया या कोई कुछ करिए, आप अपने आप को परफेक्ट कीजिए, मेहनत कीजिए, देने वाला अल्लाह ताला होता है और उसके बगैर आपको कोई छीन नहीं ले सक कोई नहीं दे सकता है, ना उसके मर्जी के बगैर आपको कोई ले सकता है। ज़िंदगी में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आप हमेशा बातें करने से कुछ नहीं होता है, आप काम करो रिजल्ट अपने आप आ जाता है। फिर मंजूर डार के बहुत सारे चाहने वाले, अगर मैं कश्मीर वैली की बात करूँ, इंतज़ार कब ख़त्म होगा आपके फैंस का जब आप फिर से स्टेट में देखने को मिले? इंशाल्लाह इसी साल
इंशाल्लाह रिपेयर है मंजूर। हाँ अभी कर रहा हूँ, अभी चल रहा है, फिटनेस पे काम चल रहा है, प्रैक्टिस जा रही है। अब लोकल क्रिकेट भी स्टार्ट कर दिया, शुक्र अल्लाह का कि फॉर्म में आ रहा हूँ वापस। मतलब टूटा तो बहुत बार, वो कौन सा इंसान नहीं है जो टूटता नहीं है, टूटा बहुत बार। लेकिन मैं ऐसी जगह से ऐसे सिचुएशनों में मैं पला बड़ा हूँ ना कि मेरे लिए आप मतलब मैं कहीं पर भी जाऊँ ना, मेरे को पैसे की ज़रूरत, पैसे हो ना हो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं उस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पास जेब में पैसे नहीं होते थे, मेरे पास किराए के लिए पैसे नहीं होते, मेरे को शूज़ पहनने के लिए पैसे नहीं होते थे, यूनिफॉर्म किट बैग वो ये कुछ नहीं होता था। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि मतलब ज़िंदगी में अप डाउन मैंने पहले बचपन से ही देखा था। मैं 6th क्लास में पढ़ता था, मजदूरी करना स्टार्ट कर दिया, वो मैं अब मेरे लिए वो मतलब छोटी बात है। गलतियाँ भी होती है, मैंने भी कुछ गलतियाँ की होंगी, क्योंकि परफेक्ट जब कुछ इंसान को हाँ बिल्कुल कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन हमेशा मैंने ज़िंदगी में कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। मतलब ऐसे कि मुझे इसको साथ वो करना है, मैंने कभी नहीं किया ऐसा, कभी नहीं ना करूँगा, चाहे क्रिकेट खेलने को मिले या ना मिले। स्टोरी आपकी बहुत ही इमोशनल है, बहुत ज़्यादा इमोशनल स्टोरी आपकी। जिन्होंने भी आपके कैरियर पर हाथ उठाया, मंजूर दार के दिल में उनके लिए कोई शिकवा या कोई गिला? मेरे को याद ही नहीं है, सीरियसली अल्लाह की कसम मेरे को याद ही नहीं है। क्योंकि मैंने आपको बता दिया ना, अल्लाह ताला देने वाला भी, इज्जत देने वाला भी है, इज्जत लेने वाला भी अल्लाह ताला ही है। अल्लाह ताला ने मतलब मैं कुछ भी नहीं था, अल्लाह ताला ने फर्श पे उठा के बैठा दिया, कर दिया मंजूर। मैं किसको कौन माफ़ करने वाला हूँ, मैं किसको क्या माफ़ करूँगा, मैं तो कोई भी गिला नहीं, कुछ नहीं। क्योंकि मेरे लोगों तक मैसेज, बस लोगों का प्यार, हमेशा लोगों ने बहुत प्यार किया है हमेशा, चाहे मैं रन करता हूँ नहीं करता हूँ, ग्राउंड में जाता हूँ हमेशा। देखिए जब तक आप ग्राउंड में नहीं आओगे ना, लोग आपको भूलते हैं फिर, क्योंकि उनको वही दिखता है जो ग्राउंड में खेलता है। लेकिन मैं ग्राउंड से दूर रह के भी मुझे लोग बहुत प्यार करते हैं, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। टाइम देने के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच। Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar offers 3-year integrated classroom program for IAS, KAS specialized for college going students of any stream. Dream big and prepare early. For counseling visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. For more info call on 9469888333.